गाइज फाइनली रेडमी ने अपना रेडमी 8A लॉन्च कर दिया, जिसमें हमें दो वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं और इसी प्राइस में हमें इन्फिनिक्स हॉट और रियलमी C2 देखने को मिल जाते हैं। तीनों फोन्स का प्राइस लगभग 7,000 रुपये है। आज हम इस वीडियो में तीनों फोन्स का करने वाले कंपैरिजन, जान लेते सिमिलैरिटीज और डिफरेंस तीनों ही फोन्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो हमें 8A में 6.2 इंचेस के एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वहीं पर इन्फिनिक्स हॉट में हमें 6.52 इंचेस के एक HD+ डिस्प्ले, वहीं पर रियलमी C2 में हमें 6.1 इंचेस के एक HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तीन ही फोन्स में हमें IPS LCD देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम बात कर ले एक्सपेक्ट रेशियो की, तो यहाँ पर हमें इन्फिनिक्स हॉट 8 में सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसका स्क्रीन साइज भी दोनों ही फोनों से काफ़ी बड़ा है। वहीं पर अगर हम बात कर ले प्रोटेक्शन की, तो हमें 8A में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इन्फिनिक्स हॉट 8 में किसी भी तरह का स्पेसिफाई नहीं किया गया है स्क्रीन प्रोटेक्शन के मामले में। वहीं पर रियलमी C2 में हमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें, डिस्प्ले ओवरऑल की बात करें, तो 8A काफ़ी आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और IPS LCD और HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। आगे बात कर लेते हैं तीन ही फोन्स के परफॉर्मेंस की, तो हमें 8A में स्नैपड्रैगन 439 देखने को मिल जाते हैं, जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। वहीं पर इन्फिनिक्स हॉट 8 में हमें हीलियो P22 देखने को मिलता है, जो कि सेम 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। वहीं पर रियलमी C2 में भी सेम 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है, हमें मीडियाटेक हीलियो P22 देखने को मिल जाता है। इन्फिनिक्स हॉट 8 और रियलमी C2 में हमें सेम प्रोसेसर और ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, बट 8A में हमें एंड्रीनो के 505 देखने को मिलते हैं। तीनों ही फोन हमें पाई पर वर्क करते हुए देखने को मिल जाएंगे। अगर हम ओवरऑल बात करें, तो तीनों ही फोन में आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, बट अगर आप एक हार्ड कोर गेम खेलना चाहते हैं तीनों फोन्स में, तो ये फोन आपके लिए नहीं है। आगे बात कर लेते हैं तीन ही फोन्स के कैमरास की, तो 8A में हमें 12 मेगापिक्सल का बैक में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है। वहीं पर इन्फिनिक्स हॉट 8 में हमें ट्रिपल रियर बैक कैमरा देखने को मिल जाता है 13+2+ लो लाइट सेंसर के साथ। वहीं पर रियलमी C2 की बात करें, तो यहाँ पर हमें ड्यूल कैमरा बैक में देखने को मिल जाता है 13+2 मेगापिक्सल का। अगर हम बात कर ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो यहाँ पर हमें इन्फिनिक्स हॉट 8 में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है रियर में। वहीं पर फ्रंट कैमरे की बात कर ले, तो 8A में हमें 8 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पर इन्फिनिक्स हॉट 8 में भी हमें सेम वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पर हमें रियलमी C2 में 5 मेगापिक्सल का एक वाटर ड्रॉप नोच कैमरा देखने को मिलता है। ओवरऑल बात करें कैमरास के, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 8 काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, तो इस मामले में इन्फिनिक्स हॉट 8 आगे निकल जाता है कैमरे के मामले में। आगे बात कर लेते बैटरी की, तो हमें 8A में और इन्फिनिक्स हॉट 8 में 5000 mAh की बैटरी मिलती है, बट वहीं पर रियलमी C2 में हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है। इन्फिनिक्स हॉट 8 और रियलमी C2 में हमें 10 वाट का नॉर्मल चार्जर देखने को मिल जाता है, बट वहीं पर हमें रेडमी के 8A में 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको अगर इस वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।